अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है जी। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ क्या कर रही हो सब? एग्ज़ाम हॉल में हो अभी ना जी। आप लोगों का जो पर्चा, अभी जो आप लोगों ने पर्चा दी है, एग्ज़ाम दी हो, आप लोग कैसा महसूस की हो, एग्ज़ाम कैसा लगा देने में? अच्छा। इधर देख के बोलो। हाँ, बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम दी हो जी। अच्छा, सभी सवालों का जवाब दी हो कि नहीं आप लोग? जी। माशाल्लाह। और ये कितना घंटा का एग्ज़ाम था? दो घंटा। अभी तो दो घंटा हुआ नहीं है, आप लोग बिफोर क्वेश्चन जमा पेपर जमा कर दी हो। आए, चलिए आज कौन कौन एग्ज़ाम दी हो, थोड़ा सा हाथ दिखाएं। अच्छा ठीक है, तो इनमें से किसी को भी पूछ सकते हैं सवाल जवाब। आए, मैंने कई बार पूछताछ भी की आप लोगों से, क्वेश्चन किसी के पास होगा? इधर भी कुछ बच्चियां खड़ी है जो एग्ज़ाम देकर रिलैक्स ले रही है, रिलैक्स कर रही है। क्या नाम है आपकी जी? इधर आओ, इधर कैमरा का समझाओ। निखर, आप कहाँ से हैं, घर कहाँ पर? कछुआ। कौन सी पेपर का एग्ज़ाम दिया आप? कौन सा पर्चा था? चमन इस्लाम। अव्वल की दुम अव्वल। अच्छा ठीक है, कौन सी क्लास में हो तुम? इब्देउला। कुछ सवाल करें आपसे? चलिए एक बार सवाल पूछते हैं आपसे, आपके बाद आप किस बातों बातें किस तरह आपके बाद आपकी बातें किस तरह दुनिया में फैली? बोलिए। आपके बाद आपकी बातें किस तरह दुनिया में फैली? आप भी थी ना इसमें? इसका कितना देंगे? इस क्लास में नहीं है आप? बोलेगी तब ना कितना देंगे। अच्छा आप बोलिए, आप एक मिनट, आपसे सवाल जवाब हुआ है एक बार फिर से, आप बोलिए। आपके साथ यहाँ की कोशिश से हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया फैल गई। वाह वाह, बहुत अच्छा। इसके बाद और कोई बता सकती है इनमें? इस क्लास में कौन कौन सी बच्ची हैं? आप भी हैं। अच्छा, ये है कि हमारे रसूल मक्का से मदीना क्यों गए? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथियों को जब मक्का वालों ने बहुत दुख दिया और सताया, बल्कि तौबा जान से मार डालने का इरादा कर लिया, इसीलिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अच्छा अच्छा, मैंने इसीलिए जो है मक्का से मदीना चले गए अपने। ठीक, बहुत अच्छा। और इस क्लास की कौन कौन सी बच्चे एग्ज़ाम दी है? अच्छा, इधर आओ। शायद आप लोग सवालों का जवाब सही से नहीं दी होगी, इसीलिए आप लोग जो है भाग रही है। ये बच्ची क्या नाम है आपका? मंतसा। आपका बहुत कैमरा में फ़ोटो आ रही है, ये हमेशा जवाब देने के लिए आगे रहती है माशाल्लाह। ठीक, क्या नाम है आपकी? कहाँ, घर कहाँ है? सिज टोला, चितोरिया, बांसगढ़ा। इस सभी सवालों का जवाब दी है आप? आए, पूछें आपसे कोई सवाल जवाब। अच्छा, मैं पहले पूछता हूँ, हमने की जो क्वेश्चन है दो नंबर का, नबी होने के बाद आपने लोगों से क्या कहा? फंटास्टिंग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई बच्चियाँ हैं जो इस सवालों का जवाब आंसर तो कापी में लिखी हो लेकिन याद है कि नहीं थोड़ा सा? हैं, कहाँ है ये? अच्छा अच्छा, जो पढ़ाई से जो दूर हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है कि हमने लिखे हैं पर्चा सही से दिए हैं, तो ऑटोमेटिक वो सामने आएंगे, कैमरा के सामने आएंगे। आप लोगों का किस चीज़ का एग्ज़ाम था? साइंस। आज साइंस का कौन 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 बच्चे एग्ज़ाम दी है? आए, आप भी दी है? ठीक है, और कोई दी है?
क्या नाम है बाबू आपका? नासरीन। नाजनीन, घर कहाँ है? हथिया दियारा। ये कौन सी क्लास में हो पढ़ती हो तुम? ये जो सवाल मेरे हाथ पे है, ये सवाल का जवाब आप दी है? इस पर्चा को आप पूरा पूरा भरी है ना? किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं? अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूँ कि अल्लाह ने पैगंबरों को किस लिए भेजा? शर्माओ नहीं, शायद ये नहीं लिखी होगी। अगर याद आ रही है तो बोलो। शायद पहली बार जो है ये मीडिया के सामने यानी कैमरा के सामने बोलने में बहुत बच्चे हेजिटेशन करते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई दे सकती है? अल्लाह ने पैगंबरों को किस लिए भेजा है? मंता, क्या नाम? मंतसा नाम है। चलिए ठीक है, माशाल्लाह। और यहाँ एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुकी है और ये माहद आयशा सिद्दीक अलील बनात शरीफगंज कटिहार के ये है, और ये बनात है दूसरी बनात जिससे अभी हम चल कर आ रहे हैं, और जिसका तीसरा ब्रांच है जिसमें बैनर लगा हुआ है। ये है तीसरा जो हमारे सर हैं इस मदरसा के, सब एग्ज़ाम हॉल से निकलती रही बच्चियाँ।